की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतन सिंह। तो चलिए बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात किया था एलर्जी के ऊपर कि एलर्जी का मतलब क्या होता है, उसमें हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, एलर्जन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलर्जन्स क्या होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल का क्या रोल होता है एलर्जी में उसको देखा हमने। हमने देखा कि सेरोटोनिन होता है, हिस्टामाइन होता है, कि वो क्या रोल प्ले करता है, ये भी देखा हमने। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा केमिकल और निकलते हैं एलर्जी के दौरान, उसका वो कौन से केमिकल होते हैं। फिर ये भी देखा हमने कि एनाफाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, ठीक, किस तरह के सिम्टम देखने मिलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने काफी कुछ बात किया एलर्जी के बारे में और हमने शुरू किया था ऑटो इम्यून डिजीज को, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें हम देखिए, सबसे पहले हमने जो है देखा, हमने कहा कि बड़े कॉमन एलर्जन जो प्रेजेंट होते हैं वो है पॉलन ग्रेन्स होते हैं, डस्ट माइट होते हैं, इसके एनिमल डेंडर्स होते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। कॉमन सिम्टम एलर्जी के क्या होते हैं, वाटरी आईज का होना, रनिंग नोज का होना, इची थ्रोट का होना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके। फिर मास्ट सेल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हिस्टामाइन्स को रिलीज करती है, सेरोटोनिन भी रिलीज होता है आप इसके। और हमने कहा इसके अलावा ब्रेडिकाइनिन हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिंस हुए इसके, इंटरल्यूकिन्स हुए, ये भी वो केमिकल है जो एलर्जी के दौरान रिलीज होते हैं, ठीक है ना। और एलर्जी क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम का बेटा एग्जेग्रेटेड है ना, इम्यून सिस्टम का जो है वो एग्जेग्रेटेड, या हम बोलेंगे ऐसा बोल सकते हैं, इम्यून सिस्टम का जो है हाइपर रिस्पॉन्स है, कि हम इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं हाइपर रिस्पॉन्स, के ये इम्यून सिस्टम का हाइपर रिस्पॉन्स होता है, एग्जेग्रेटेड फॉर्म होता है, ठीक है। हमने कुछ कहानी स्टोरी सुनकर भी इसको हमने कोरिलेट किया था, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ किस्से सुनाए थे, आपको मैंने एनाफाइलेक्टिक शॉक के ऊपर के मैंने कहा था कि ऐसी कंडीशन में कई बार हम इपिनेफ्रिन के शॉट का या इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर हम जहां बात खत्म किए थे, हम ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में बात करते थे कि हमारी इम्यून सेल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इनमें होती है मेमोरी, इनमें होती है मेमोरी या याददाश्त होती है, इनमें मेमोरी या याददाश्त होती है। और ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर कर सकती है, मतलब अपने शरीर की सेल को पहचान सकती है और दूसरी ऐसी सेल जो हमारी बॉडी के अलावा सेल से उनको वो डिफरेंशिएट करके हटा सकती है, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या करता है, याददाश्त भी रखता है और सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर करना भी जानता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की किसी सेल को, हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन को, किसी टिश्यू को वो निशाना बना लेता है और सेल्फ और नॉन सेल्फ का अंतर खत्म हो जाता है के, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने लगता है, खुद को ही नष्ट करने लगता है। अरे ये वैसी वाली बात हो गई कि आप सुनते हो ना, कई बार ऐसी खबर सुनने में आती है कि एक आर्मी में, कई सुनने में आती खबर कि आर्मी में कुछ जवान थे, उन्होंने एक जवान था उसने जो है एक सैनिक था उसने छुट्टी मांगी कि घर जाना था, बड़ा परेशान था वो अपेट के, और कभी गुस्से में आके उसने फिर जो है अपनी राइफल से अपने ही मित्रों पर, यारों पर या अपने बॉस पर गोली चला दिया, ठीक है। ह्यूमन साइकोलॉजी, कभी कभी आदमी जो है वो ऐसे डिसीजन ले लेता है जो कि रैशनल नहीं होते हैं, जबकि उसको पता था कि आर्मी में छुट्टियों का भी एक नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है, यदि बॉस नहीं चाहेगा तो छुट्टी नहीं मिल सकती है इसके, तो लेकिन वो गुस्से में आके उसने ऐसा किया, ऐसी घटनाएं सुनने में आती है। तो एक्चुअली में इसमें क्या हुआ, इसमें दुश्मन, ये फौज है किसके लिए, फौज दुश्मन के लिए, लेकिन हुआ क्या कि एक जवान जो है, एक व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा, उसने अपने ही चार लोग मार दिए उसने के, तो ये क्या हो गया। ऐसे ही ऑटो इम्यून सिस्टम भी काम करता है, ऑटो इम्यूनिटी में होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन कभी कभी जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ का डिफरेंस खत्म हो जाता है तो वो अपने ही और सेल्स को वो मारने लगता है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि बड़ी कॉमन बीमारी से थायराइड ग्लैंड, हॉशिमोटोज़ डिजीज में पूरा थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक। फिर रूमेटिक आर्थराइटिस में जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया में आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगती है, सोरियोसिस हुआ, विटिलेगो हुआ, ठीक है, और इसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया हुआ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, गुलियन-बारे सिंड्रोम हुआ, सीलिएक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन की बीटा सेल्स को
चुन चुन के जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और ये ऑटो इम्यूनिटीज होता है ना, टाइप 1 डायबिटीज इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उसका आपको इनहेरिटेंस पैटर्न देखने नहीं मिलेगा ना। टाइप 1 डायबिटीज एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज का जेनेटिक प्रीडिस्पोजन देखने मिलता है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज का जेनेटिक प्रीडिस्पोजन देखने नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, क्लियर। तो पिछली क्लास में देखा था बेटा कि समटाइम ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, दिस रिजल्ट्स इन डैमेज ऑफ द बॉडी एंड इट कॉल्ड द ऑटो इम्यून डिजीज। के रूमेटिक आर्थराइटिस, ठीक है। अब रूमेटिक आर्थराइटिस मैंने आपको बताया भी था बेटा, किसमें आप क्या करते हैं, हम इसमें जो है वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, ANA टेस्ट कराते हैं, इसमें हम RA फैक्टर रूमेटिक आर्थराइटिस फैक्टर का टेस्ट कराते हैं। रूमेटिक आर्थराइटिस के काफी सारे पेशेंट मैंने देखे हुए हैं, और आजकल इतना कॉमन बीमारी हो गया है, इतना स्पेसिफिक बीमारी हो गया है कि आजकल डॉक्टर बनते हैं रूमेटोलॉजिस्ट के। ये डॉक्टर केवल और केवल रूमेटिक आर्थराइटिस के देख के, बेसिकली ये वो डॉक्टर होते हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, जिन्होंने MBBS किया, सुनिएगा मेडिकल प्रोफेशन में क्या होता है, जिन्होंने MBBS किया जनरल फिजिशियन है, ठीक है, MS किया, MS ऑर्थो किया इन्होंने, तो क्या बन गए, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए। देन इसके बाद इन्होंने डिप्लोमा किया, इन्होंने रूमेटिक रूमेटोलॉजी में डिप्लोमा किया, या इन्होंने फेलोशिप किया, इन्होंने फेलोशिप किया रूमेटोलॉजी में, नाउ दे बिकम दी रूमेटोलॉजिस्ट के। तो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो रूमेटिक आर्थराइटिस के केसेस को देखते हैं, केवल एक तरह के केस देखते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस के, और ये बड़ा पॉपुलेशन में बड़ा कॉमन होता जा रहा है। और इसमें क्या, सुबह जब आदमी सो के उठता ना तो उसके ज्वाइंट जो है ऐसा लगता है फंस गए, ज्वाइंट मूव करने में दिक्कत होती है, अर्ली मॉर्निंग उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने हाथ नहीं मोड़ पा रहा हूं, अपनी उंगलियां नहीं फोल्ड कर पा रहा हूं, उसको तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है उसको, वो सो के उठ के उठने में उसको समस्या होती है। फिर जैसे जैसे दिन निकलता आता है वो थोड़ा एक्टिविटी करता है, तो उसके फिर ज्वाइंट जो है धीमे धीमे काम करने लगते हैं, पर यह कंडीशन जो है वो समय के साथ कंडीशन डिटोरिएट होने लगती है इसमें। यह है रूमेटिक आर्थराइटिस जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। अब जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसके दो प्रकार होते हैं, हम एनसीईआरटी से बाहर निकल के बात कर रहे हैं। हमके ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्गन स्पेसिफिक, जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इनके तो ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून बीमारियां वे होती हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करती हैं और उसको वो डिस्ट्रॉय करती हैं। आर दोज वेयर एंटीबॉडीज एंड इन्वेसिव डिस्ट्रक्टिव लीजंस आर डायरेक्टेड अगेंस्ट वन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। के मतलब इस तरह की ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है उसके अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। क्या होगा, बॉडी में ऐसे एंटीबॉडी बनेंगे, हमारे शरीर के अंदर ऐसे एंटीबॉडी बनेंगे जो उस एक ऑर्गन को जाके डैमेज करने लगेंगे वो, के और उस एक पर्टिकुलर ऑर्गन को पूरी बॉडी दुश्मन के समान देखेगी, जबकि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर का ही ऑर्गन है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर का ही ऑर्गन है, लेकिन उसको पूरा शरीर जो है दुश्मन के समान देखेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे कि थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है हॉशिमोटोस थायरॉइडाइटिस में, ठीक है, ठीक है। देन थायरोटॉक्सिकोसिस में भी सेम होता है, ठीक है, इसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो टारगेट पे होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मिस्थेनिया ग्रेविस में जो है वो जो मांसपेशियां है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मसल्स होती हैं वे वहां पे जो न्यूरॉन्स होते हैं जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वे टारगेटेड होते हैं इसमें, ठीक है। तो देयर आर सम डिजीज के इसमें हो सकता है स्टमक डैमेज कर दिया जाए, पैंक्रियाज डैमेज कर दिया जाए, एड्रेनल ग्लैंड को डैमेज कर दिया जाए, तो उसके इन ऑर्गन के डैमेज होने पर जो भी सिम्टम आएंगे वे सारे सिम्टम व्यक्ति के शरीर में दिखाई पड़ेंगे। दूसरा है नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक और सिस्टमिक के। नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि इसका दुश्मनी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से नहीं है, कि ये पूरी बॉडी के अंदर जहां जाएंगे, जहां जिस जॉइंट पे जाएंगे, किडनी में जाएंगे, जहां जाएंगे वहां पर ये डैमेज करेंगे इनके। तो यहां पर जो एंटीबॉडीज होते हैं, लीजन होते हैं, जो हमारी बॉडी के में जो है वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो वास्तव में ऐसे डेंजरस सेल को पहचान के मारते हैं, वो हमारी बॉडी के ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा कि वो हमारी बॉडी के ही सेल को मारने लगेंगे, लेकिन ये किसी एक ऑर्गन को नहीं मार रहे हैं, ये पूरी बॉडी में काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें, इसमें स्किन किडनी ज्वाइंट मसल के, यानी रूमेटिक आर्थराइटिस केवल जोड़ों तक सीमित नहीं होता है, रूमेटिक परिवर्तन आपको जो है वो आपको स्किन में भी देखने मिलेंगे, किडनी में भी मिलेंगे, आपको ये रूमेटिक डिसऑर्डर रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको जो है मसल्स में भी देखने मिलेंगे, किडनी में भी देखने मिलेंगे, स्किन में भी देखने मिलेंगे। मतलब रूमेटिक आर्थराइटिस केवल ज्वाइंट्स तक सीमित नहीं है, वो पूरे बॉडी के कई दूसरे ऑर्गन पर भी असर डालता है। इसलिए मैंने कहा ना एक स्पेसिफिक डिग्री है इसके लिए, रूमेटोलॉजिस्ट, ठीक है, एक स्पेसिफिक डॉक्टर होता है इसके लिए।
देन अब ये तो ऑटो इम्यूनिटी की बात किया हमने के, और ऑटो इम्यूनिटी के लिए आपको बता दूं मैं कि ऑटो इम्यून बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए फिर एक ही तरीका बचता है कि आपको जो है इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड ऐसे मरीज जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं उन्हें हमें इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन देना पड़ता है, उनकी इम्यूनिटी को डाउन करना पड़ता है ताकि ऑर्गन का डैमेज जो है वो धीमा हो जाए, लेकिन तब भी कोई परमानेंट क्योर इसका नहीं है। परंतु जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है इसका एक क्योर हो सकता है और जिस पर अभी भी अनुसंधान या रिसर्च जारी है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम ट्रीट कर पाएंगे एट द लेवल ऑफ जीन के स्तर पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इम्यून सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है, जिनका इम्यून सिस्टम से जो है वो कनेक्शन है, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। देखिए आप सुनिए बात के, यानी जैसे समझते हैं बात को हम के, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा कि जब हम बात करें यहां पे समझें इसको, तो क्या होता है कि जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होता है, ये बिल्कुल पुलिस के समान है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो डिफेंस है वो समझ लो आपकी पुलिस की व्यवस्था, जो हमारे शहर में पुलिस की व्यवस्था है ना वैसी व्यवस्था होती है। अब पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस में एक हर जिले में एक पुलिस का कार्यालय होगा, मुख्य कार्यालय होगा एक, है ना, जहां पर एसएसपी बैठेगा, जहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी बैठता है यहां पर, ठीक है। फिर क्या होगा, उसके अलावा उस शहर में कई सारे थाने होंगे, देखे होंगे आपने कि हर आपके एरिया में आपके मोहल्ले के आसपास कहीं ना कहीं कोई एक थाना होगा कि वो उस क्षेत्र का थाना है, वहां पर थानेदार बैठता है, एसएचओ बैठता है, ठीक है ना, जो थाना इंचार्ज है टीआई है वो वहां बैठता है। फिर उस थाने के अंडर में कई सारी पुलिस चौकियां होंगी, कई हर गली में चौराहे में नुक्कड़ में कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी पर आपको एक पुलिस चौकी दिखाई पड़ेगी आपको, जहां पे कुछ एक या दो सिपाही बैठे होते हैं। पुलिस चौकी का काम यह होता है कि वो अपने एरिया की पर नजर रखती है, वहां पे बीट आरक्षक होंगे, बीट आरक्षक मतलब हर बीट है हर एरिया का एक बटा हुआ है कि वो आरक्षक वो सिपाही उस एरिया का ध्यान रखेगा, ऐसे पुलिस काम करती है। पुलिस का बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क होता है, पुलिस का हर जगह खबर रहती है उसको कि कौन कहां पर कहां पे घटना घटी क्या हुआ, अटके वो खबर रहना चाहिए तभी तो सही पुलिसिंग है। यदि खबर नहीं है तो काय का पुलिसिंग, फिर के खबर नहीं है तो काय का पुलिसिंग। पुलिस जो है वो उसको सूचना, उसका मुखबिर तंत्र सूचना तंत्र स्ट्रांग रहता है उसका। हमारी बॉडी में भी क्या होता है कि हमारी बॉडी में भी कई सारी पुलिस चौकियां बनी हुई है। आप बोलोगे सर पुलिस चौकी कहां है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में हर जगह पे है, जहां जहां से भी ड्रेनेज निकलता है लिम्फ का वहां पे एक लिम्फेटिक ग्लैंड प्रेजेंट है। डॉक्टर के पास कभी बीमार पड़ते हैं हम जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है बुखार लिया, ठीक है आपका शरीर देखा, उंगलियां नाखून वाखून देखा, आंखें देखी के फिर कहता है आपसे ऊंचा करो गर्दन, चेक करेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है दिखता है ना, फिर हाथ ऊंचा करके यहां भी चेक करेगा, यहां भी चेक करेगा, ठीक है क्या चेक करता है डॉक्टर, वो दिखता है कोई लिम्फ नोड तो नहीं बढ़ गया है। लिम्फ नोड जो होते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड जो होते हैं, दे आर लाइक पुलिस चौकी, यानी उस एरिया का जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो वहां से होके ही गुजरता है, और जब यदि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ प्रेजेंट है तो वो लिम्फ नोड अपना साइज बढ़ाने लगता है, उसको रोक लेता है, रोकता है तो साइज बढ़ने लगता है उसका, साइज बढ़ेगा तो फूल जाएगा और फूल कर वो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए करता है वो ताकि वो इन्फेक्शन और आगे ना निकल जाए, ठीक है ना। देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फेटिक ऑर्गन इंक्लूड होते हैं बेटा, ठीक है, टिश्यू इंक्लूड होते हैं, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल के इसमें क्या क्या शामिल है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम में जो है लिम्फेटिक ऑर्गन टिश्यू सेल्स और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडी शामिल होते हैं, मतलब पूरा सिस्टम है देखोगे तो उसमें लिम्फेटिक ऑर्गन मिलेंगे आपको, स्पेसिफिक टिश्यू मिलेंगे, स्पेसिफिक टाइप की सेल्स मिलेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा टी सेल बी सेल के, और एंटीबॉडीज मिलेंगे आपको। एज यू हैव रीड इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन रिस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर देम के, मतलब मैंने आपसे कहा कि हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा यूनिक होता है, उसके पास याददाश्त होती है, वो अपने दुश्मन को पहचान सकता है, पहचान कर उससे लड़ सकता है और हमको बचाता है, ठीक है। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के। आप
मैंने आपसे कहा ना कि इम्यून सिस्टम का प्राइमरी काम तो है हमारी सुरक्षा करना, लेकिन कभी कभी ये ओवर रिस्पॉन्स करता है, एग्जेग्रेटेड रिस्पॉन्स करता है, तो एलर्जी की कंडीशन देखने मिलती है हमको, तब हमको एलर्जी की कंडीशन देखने मिलती है। कभी कभी ये ऐसा काम करता है कि ये भूल जाता है कि कौन मेरा दुश्मन है कौन मेरा दोस्त है, नॉन सेल्फ और सेल्फ के बीच का अंतर भूल जाता है, तो ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं इसमें के। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की किडनी खराब है, उसको हमने दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट कर दी है, तो इम्यून सिस्टम को इस बात की समझ नहीं होती है कि इसकी किडनी खराब थी, तो ये जो किडनी लगी है वो अपनी जान बचाने के लिए लगी है, लेकिन इम्यून सिस्टम बोलता है भैया देखो हमारी तो सिंपल भाषा है हमारी कि तू हमारा सेल्फ या नॉन सेल्फ दो ही अंतर जानते हैं, ये जो किडनी लगाया है ना इसको वो नॉन सेल्फ है, वो हमारे बॉडी का नहीं है, हम नहीं लेंगे इसको। डॉक्टर कहता है भाई यदि इसको किडनी को हटा दिया तो तुम ये आदमी मर जाएगा, फिर तुम क्या कहा इम्यूनिटी, लेकिन इम्यून सिस्टम कहता है हम तो सेल्फ और नॉन सेल्फ का अंतर जानते हैं बॉस, के हमें नहीं मतलब कि किडनी क्यों लगाया है तुमने। तो डॉक्टर कहता है ठीक है तुम डाल डाल तो हम पात पात, तुम जितना आगे जाओगे हम और आगे जाएंगे। डॉक्टर इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी का इस्तेमाल करता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एंटीबायोटिक्स के साथ में इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी देता है, जिसके चलते वो इम्यून सिस्टम को की एबिलिटी को कम कर देता है, तो ऑटो जो 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 ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो फेल नहीं हो पाता है। ठीक है, उसे रोकने के लिए बचाने के लिए जो है क्या करता है वो डॉक्टर इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, पूरी जिंदगी लेना पड़ता है उन दवाओं को, जब जब भी दवा लेना बंद किया तो वो किडनी पर तुरंत अटैक करेगा वो इम्यून सिस्टम। ठीक है, देखिए यदि आप अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम को देखना चाहते हैं कि आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम कहां पर है, किस तरह का है, क्या क्या उसमें शामिल है, देखिए आपका स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मैंने कहा ना कि ये बैरियर है, शुरुआती फिजिकल बैरियर आपका स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, भाई बात समझ में हम के, फिर मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि जो टॉन्सिल्स होते हैं दे आर ऑल्सो लिम्फ ग्लैंड, टॉन्सिल टॉन्सिल दरवाजा है कि कौन अंदर आ रहा है मुंह सेट के, टॉन्सिल में एक हम पढ़ेंगे, हम जब जो है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे ना तब हम बात करेंगे वॉल्डेयर्स रिंग की, हम बात करेंगे वॉल्डेयर्स रिंग की। ठीक है, अभी ये टर्म याद रखना, ठीक है, ये दिमाग में रखना कि सर ने कोई वर्ड बोला था वॉल्डेयर्स रिंग के, तो हम देखेंगे कि पूरा हमारा जो 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 हमारा बक्कल कैविटी उसमें बकायदा जो है वो लिम्फेटिक ग्लैंड का एक सर्कल होता है, उसे वॉल्डेयर्स रिंग कहते हैं, और हम कहते हैं कि टॉन्सिल जो होते हैं उसके इंपॉर्टेंट मेंबर में से एक है। तो टॉन्सिल्स क्या करते हैं, ये पैलेटाइट टॉन्सिल जो है वो सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं ये बीच के, फिर लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं, मैंने कहा ना कि लिम्फ नोड पुलिस चौकी के समान होते हैं, लिम्फ नोड पुलिस चौकी के समान होते हैं, देन द स्प्लीन होता है, स्प्लीन इज लाइक ए फिल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज लाइक ए फिल्टर, ये फिल्टर के समान काम करता है, ये पूरे ब्लड को फिल्टर करता है, देखता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, यदि कोई मलेरिया का पैरासाइट प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर, स्प्लीन बोलता है रोको रोको रोको, आगे मत जाने दो, क्या करो रोको, ये ब्लड को फिल्टर किया, क्या मिला हमें, देखो ये तो मलेरिया का पैरासाइट मिला है हमको, टाइफाइड का हमको जो है वो बैक्टीरिया मिला है, तो स्प्लीन उसको रोक लेता है, रोकेगा साइज बढ़ेगा स्प्लीन का, डॉक्टर दवा के क्या देखता है, स्प्लीनोमिगेली देखता है कि अच्छा स्प्लीन तो नहीं बढ़ गया आदमी का, फिर डॉक्टर बोलता है देखो मलेरिया पुराना पड़ गया, मलेरिया बहुत दिन से हो रहा है तुमको, तिल्ली तुम्हारा बढ़ गया है, तुमको एडमिट होकर इलाज कराना पड़ेगा, तिल्ली बढ़ गया है मतलब स्प्लीन बढ़ गया है ना, फिर लिवर का साइज बढ़ गया, हेपेटोमिगेली कहते हैं, तो होता ये बेटा कि जो आपका स्प्लीन है वो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो फिल्टर के समान काम करता है। देन हम क्या देखते हैं, थाइमस, थाइमस कहता है कि हम क्या हैं, थाइमस कहता है हम पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हम पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, थाइमस कहता है कि हमारे यहां पर ट्रेनिंग देते हैं हम किसको, अफसरों को, भाई इसे आप देखो ना जो पुलिस एकेडमी है पुणे के पुणे में है कि आप देखेंगे कि जो आईपीएस का ट्रेनिंग होता है वो एकेडमी अलग है, लवासना जहां पे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग का जो है वो आपका मसूरी में है, मसूरी में शुरू में फाउंडेशन कोर्स होता है, सारी सर्विसेज के अफसर वहां मिलते हैं, फिर आईएएस वाले केवल वहां रह जाते हैं, बाकी आईपीएस वालों को उन्होंने अपने अपना जो जो पुणे के अंदर जो आईपीएस एकेडमी वहां उनको शिफ्ट कर देते हैं, वहां पे उनका ट्रेनिंग चल रहा होता है, ऐसे करके अलग अलग जगह पर जो है ट्रेनिंग हो रहा होता है।
रेलवे वालों का बड़ोदरा में होता है, और ये जो जो रेवेन्यू सर्विस वाले होते हैं उनका नागपुर में होता है के, तो अलग अलग जगह यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है अफसरों की। तो ये थाइमस कहता है भैया हम पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ पे अफसरों को ट्रेनिंग मिलती है, अफसर के पास याददाश्त होती है, अफसर के पास में लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, सेलुलर मेमोरी होती है, ठीक है। तो थाइमस जो है वो टी लिम्फोसाइट को बनाने में रोल प्ले करता है, और थाइमस ऐसा ऑर्गन है जन्म के समय बड़ा होता है, धीमे धीमे जो है व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है थाइमस छोटा साइज में छोटा होता रहता है, ठीक है। ये रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट वाला ऑर्गन है, एक प्रकार से कहा जाए कि समय के साथ ये अपने आप को कम डेवलप होता होता फाइनली बहुत रिड्यूस होके केवल इसके रिमेनेंट्स बचते हैं, ठीक है। चलिए फिर आपने मैंने कहा कि जब हम कहते हैं पुलिस चौकी की बात करते हैं तो कहां कहां पर थान पर चौकी बनी हुई है, जहां जहां पर लिम्फ नोड है, आप मान लीजिए बेटा जहां जहां पर लिम्फ नोड है ना वहां वहां पर एक पुलिस चौकी है, समझ लीजिए आपके क्या है वो पुलिस चौकी, यहां पे कि हम चेक करते हैं कि कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ प्रेजेंट तो नहीं है यहां पर। आपको बता दूं मैं कैंसर का एक बड़ा सिम्टम ये होता है कि कैंसर यदि किसी को होता है तो कैंसर की जो कैंसरस सेल जो मेटास्टेटिक सेल होती है ना उनको लिम्फ नोड में रोक लिया जाता है, उनको लिम्फ नोड में रोक लिया जाता है, तो वो अब मेटास्टेटिक सेल तो जहां भी रहेंगी वहां डिवाइड करेंगी वो, तो लिम्फ नोड साइज में बढ़ने लगते हैं। यदि मल्टीपल लिम्फ नोड बॉडी के अंदर साइज में बढ़ रहे होते हैं बगैर किसी बीमारी कारण के, तो वो इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ कैंसर का इंडिकेटिव ये हो सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं स्प्लीन दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है। थाइमस, बोन मेरो, बोन मेरो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, अरे बोन मेरो तो वो जगह जहां पर सब कुछ बन रहा है, ये स्कूल के समान है, यहां पर इससे आपका स्कूल जो ना चाहे कोई आदमी आईएएस बन जाए, कोई आईपीएस बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई आईआईटीएन बन जाए, कोई जो है वो एमबीए कर ले, चाहे कोई कुछ कर ले, पढ़ना तो स्कूल पड़ेगा ना, उसे 10th 11th 12th पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा व्यक्ति, पढ़ेगा ना, ठीक है। समझ लो आप कि बोन मेरो वो है जो सब सेल बना करती, बता ले लो भैया हमसे स्टूडेंट के, आप हमसे क्या बनवाना तुमको, हम तुमको आरबीसी चाहिए, बोन मेरो कहता है हम देंगे तुमको आरबीसी, तुमको क्या चाहिए, तुमको जो है वो मेगा केरोसाइट चाहिए प्लेटलेट के लिए वो भी हम देंगे, तुमको डब्ल्यूबीसी चाहिए वो भी हम देंगे, तुमको क्या चाहिए, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड इन दी बोन मेरो, ठीक है ना। चलिए तो पहले बात करते हैं हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, हम बात करते हैं दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड और मैच्युरेशन एंड प्रोलिफिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट ऑकर्स के। देखो बेटा लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट का ओरिजिन भी होता है के परिपक्वन भी होता है, अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं जहां पे केवल मैच्युरेशन होता है और प्रोलिफिकेशन होता है, ठीक है ना बेटा, है ना, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जहां पर वो बनते भी हैं और अपने आप को मैच्योर भी करते हैं वो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर बोन मेरो एंड थाइमस, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है बेटा। देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वे हैं जो बोन मेरो हैं, थाइमस है, वेर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट के, ये वो जगह होती है जहां पर अपरिपक्व इमेच्योर लिम्फोसाइट को हम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, डेवलप करते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में, जहां पर इस बात के को इंश्योर किया जाता है कि ये एंटीजन को पहचानते हो। भाई देखो स्कूल के समान ही होगी बात ये, जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं बेटा तो बच्चे को ना तो अनार का आम का आता है, का खा गा घाड़ा चा छा झा जो भी है ना, ठीक है, बच्चे को नहीं आता हो ए बी सी डी एफ जी, बच्चे को नहीं आता हो, और धीमे धीमे बच्चे को सिखाते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सिखाते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं करते हम कि बच्चा स्कूल गया बच्चे को बोला आपके टीचर ने प्रिंसिपल ने कहा बच्चों का एडमिशन हो गया, हाँ एडमिशन हो गया, अब एक काम करो वो अपने पास जो ब्रेन रखे ना फ्रिज में वो लाके सब बच्चों में फिट कर दो, एक ब्रेन, मतलब बच्चे में क्या कर रहे हैं इमेजिन कर रहे हैं कि एक स्क्रू खोला, यहां से स्क्रू खोला, ढक्कन निकाला, ब्रेन, सर कौन सा ब्रेन, अरे जो जिसके फिटाए लगा दो ब्रेन, लगा दिए ब्रेन, ढक्कन लगा दिया, घर पहुंचा, मम्मी मैं सिखाया सब कुछ, मम्मी ने कहा अरे बेटा स्कूल का पहला दिन था, मम्मी मेरा ब्रेन था ही नहीं, उनने फिट कर दिया, तो बेटा तुम्हारे अंदर क्या निकला, कुछ नहीं मम्मी खाली डब्बा था, जैसे आप बोलते ना पापा के खाली डब्बा है, तो मेरे खाली डब्बा था तो उसमें ब्रेन लगा दिया गया। अच्छा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्या बात,
कल्पना में खो गए कि काश ऐसा ऐसा नहीं होता है कि अरे बच्चे के पास अपना बेसिक ब्रेन, अपना बेसिक उसके पास में होता है कि इन, लेकिन उसको केवल पहचानने बच्चे को बुलाता है कि ये ए है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्रॉग, ठीक है ना? ठीक, अब पूरा थोड़ी ना एबीसीडी बोलूंगा बैठ के। ठीक, चलो हमने कहा कि भाई ए फॉर एंटीजन हो गया, ठीक है, बी फॉर बेसोफिल्स हो गया, ठीक है, सी फॉर कैंसर हो गया, ठीक है, डी फॉर डेंड्रिटिक सेल हो गया। आप बोलोगे सर ऐसी एबीसीडी बच्चा नहीं सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा बच्चा? अरे उसने एप्पल तो देखा है, एंटीजन कैसे मालूम बच्चे को? ठीक है, बी फॉर बॉल देखा उसने, बी फॉर बेसोफिल कैसे मालूम चलेगा उसको? अच्छा मतलब यह है कि जिन्होंने बुक बनाया बहुत सोच समझ के बनाया कि उस बच्चे ने गेंद देखी होगी, उसने एप्पल देखा होगा, उसने डी फॉर डॉल देखा होगा, डी फॉर डॉग देखा होगा, ठीक है, ई फॉर एलिफेंट देखा होगा, ई फॉर इंजन देखा होगा उसने, ठीक है, ई फॉर इओसिनोफिल बच्चे ने नहीं सुना, कभी नहीं सुना, बच्चे के पिताजी ने भी नहीं सुना होगा। अरे नॉन मेडिकल होंगे तो उन्हें बायोलॉजी नहीं होगा तो उन्होंने भी नहीं सुना होगा। आप मान लीजिए वो किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, उन्हें क्या मालूम इओसिनोफिल क्या होता है? ठीक है ना? एफ फॉर फाइब्रोब्लास्ट, अरे भैया एफ फॉर फ्रॉक सुना बच्चे ने, एफ फॉर फ्रॉक भी सुना बच्चे ने, ठीक है, तो पढ़ाने के लिए उसको धीमे धीमे ट्रेन किया। तो ऐसे ही हमारा जो जो हमारा जो सिस्टम होता है उसमें भी जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं उनको, वो इमैच्योर ना कुछ नहीं वाले, कौन हो तुम? मेरा नाम राजू है, ये क्या बेटा? नहीं मालूम, उसको बोलेंगे ए फॉर एप्पल एंटीजन। यहां स्कूल की एबीसीडी अलग है, ए फॉर एंटीजन, सर ये एंटीजन क्या होता है? बाहर वाला जन जो तुम्हारे एंटी काम करेगा। अच्छा बाहर वाला जन आदमी जो मेरे एंटी काम करेगा? हाँ एंटी काम करेगा, एंटी काम मतलब बुरा करेगा। अच्छा इसको रोकने का है, यस इसको रोकने का है, बस बात खत्म हो गई। कि तो मैंने क्या कहा आपसे कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं बोन मेरो है, थाइमस है, यहां पर की इमेच्योर लिम्फोसाइट जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं बेटा, और डिफरेंशिएट होकर जो है वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज न्यूटन, आई होप यू आर एंजॉयिंग, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन लेक्चर, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म यू. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye-bye. Continue your lecture. ठीक, चलिए primary lymphoid organ में क्या-क्या शामिल है? Primary lymphoid organ में शामिल है thymus and bone marrow. ठीक है, ये सबसे important जगह हैं बेटा, ठीक है ना? Thymus and bone marrow. ठीक है, फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? अब बच्चा एबीसीडी सब सीख गया है, उसे मालूम है कि ए क्या होता है। अब आप ऐसा तो होता नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज पहुंचे, भैया डीन सर की क्लास होने वाली है, अब क्या डीन सर आ गए, ओके आप सबने नीट निकाला हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलो आज एबीसीडी पढ़ेंगे। आप बोलोगे क्या, अरे बस आता है एबीसीडी, आगे की बात करो ना, वो तो पढ़ के आए सब हम, तब तो नीट निकाल के यहां तक पहुंचे हैं हम, ऐसा नहीं अपना भी कोई लेवल है। एबीसीडी पढ़ाओगे तो घर में पिताजी क्या बताएंगे कि स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ आज? पापा ए फॉर एप्पल पढ़ाया है आज, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, तो वहां पे एबीसीडी शुरू नहीं होगा, अलग लेवल की ट्रेनिंग होगी वहां पे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं दे आर वेरी वेरी, यानी ये वो जगह होती है जहां पर एंटीजन जो होता है वो रियल में असली जिंदगी में, यानी रियल लाइफ, जब हम पढ़ लिख के पास होके जो है वो अपने रोजगार में आते हैं, नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, तो हमारा असली जिंदगी में लोगों से सामना होता है। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कई लोग हमको लगता है कई लोग हमको जो है वो धोखा देते हैं, कई लोग हमको चीट करते हैं, हर बार हम एक चीज सीखते हैं, हम लर्न करते हैं चीजों को, समझते हैं कि अच्छा ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करेंगे ऐसा बोलूंगा तो ये सामने वाला ऐसे रिएक्ट करेगा,
और ये पूरी जिंदगी सीखते हैं हम। रियल लाइफ डिफरेंट होती है, वहां पर सच में एनकाउंटर करना होता है आदमी को वन टू वन। एक मैंने अभी हाल ही में एक नेटफ्लिक्स पे मैंने मूवी देखा, जैसा जब आपका एग्जाम निपट हो जाएगा ना, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, जब आप फ्री हो, टाइम मिले, आपका पढ़ने का मन ना हो, तो एक बहुत अच्छी मूवी है वो नेटफ्लिक्स पे। हालांकि पता नहीं आप में से कितने लोग नेटफ्लिक्स यूज करते होंगे, लेकिन ये कि वो मूवी का नाम है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आएगी जरूर, वो है गुंजन सक्सेना। ठीक है, इसमें वो श्रीदेवी की डॉटर है जाह्नवी कपूर के, उसने आप इसमें जो है वो लीड एक्ट्रेस का रोल किया है। बहुत बढ़िया मूवी है, मतलब मैं जनरली मैं मूवीज की तारीफ नहीं करता हूँ, हिंदुस्तान जो इंडियन मूवीज के बारे में मेरा विचार बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फैंटास्टिक मूवी एवर के। एक बेटी, उसके सपने, फादर का और डॉटर का बड़ा अच्छा जो बोलते ना, इससे बोलते हैं कि एक सेंसिटिव कनेक्शन दिखाया गया है। और वो लड़की जो है वो इंडिया की सच्ची कहानी पर बेस्ड है, मैं यदि कोई हाइपोथेटिकल होता मैं कभी बोलता भी नहीं, इट्स द रियल स्टोरी। गुंजन सक्सेना कारगिल वॉर में पहली फर्स्ट जो है वो फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर रही हैं, और उन्होंने 40 से अधिक ऑपरेशन में भाग लिया, कई सैनिकों को उन्होंने बचाया, वहां पे जो आर्मी के जवान थे घायल थे उनको बचाया, रेस्क्यू किया उन्होंने, कई उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट दुश्मन के ठिकाने पता लगाया उन्होंने, और दुश्मन को मार गिराने में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया कारगिल वॉर में। ठीक, देश की पहली एयरफोर्स ऑफिसर थी वो, फर्स्ट बैच जो हुआ था उसमें, जबरदस्त संघर्ष दिखाया उसमें कि एक लड़की जब एयरफोर्स पहुंचती है वहां पे, तो वहां पे चूंकि मेल डोमिनेट पूरा का पूरा सिस्टम है वहां पे, तो वो किन किन दिक्कतों का सामना करती है कि उस एयरफोर्स के पूरे सेटअप में फीमेल टॉयलेट तक नहीं होता है यहां पर, क्योंकि फीमेल स्टाफ ही नहीं है वहां पर कोई। मतलब फैंटास्टिक स्टोरी, कैसे वो उन लोगों को कि साइकोलॉजी से निकलने की कोशिश करती है, कैसे वो एक उसको ये बार बार एहसास दिलाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम नहीं कर पाओगी, तुम लड़ भी नहीं पाओगी, तुम्हारी सुरक्षा हमको करनी पड़ेगी, तुमको नहीं भेजते फ्रंट पे हम, बार बार एहसास दिलाया जाता है उसको। लेकिन जब रियल में वॉर होता है तो वही लड़की उसके अफसर को, उसको गोली लग चुकी होती है, दुश्मन गिरा चुका होता, उसे बचाकर लेके आती दुश्मनों के बीच से, दुश्मनों का सफाया करती हुई पहुंचती है बैठ के वही लड़की। भारत की बेटियां ऐसी वैसी नहीं है, जो भी अंडर एस्टिमेट करते हैं ना वो बहुत गलती करते हैं, यदि ठान लिया उन्होंने तो फिर दुनिया में सबसे आगे हैं वो। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, कुछ अच्छी चीज देखने मिला जरूर देखना, इसको सीखने मिलेगा बहुत कुछ के, दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक मूवी एवर के। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मतलब मैं कोई इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, के लेकिन आई रियली लाइक द कंटेंट, रियली लाइक के, मतलब मैंने जब हमने इस मूवी को देखा मैंने इसको, तो मैंने पाया कि जो है एक लड़की की लाइफ में जो स्ट्रगल है ना, इतना सारा होता है कि आप उसको, यदि आप लड़के हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे उसको, और वहां पे जब उभर के सामने आता ना, जब वो लड़की आगे बढ़ती सोसाइटी में, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करती वो। हर फील्ड में ऐसा है, इस मामले में मेडिकल बहुत अच्छा है, मेडिकल बहुत ही अच्छा है इस मामले में। हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था, डॉक्टर्स के मामले में देखा जाए तो भी वहां कोई बड़ा अंतर नहीं रखे, मतलब मेडिकल इज द बेस्ट एवर फील्ड। पर इसका मतलब ये कि ये फीमेल डोमिनेटेड के, यहां पर सब तरह के सर्जन, सब तरह के डॉक्टर बनेंगे। बॉम्बे के अंदर टॉप की जो कार्डियक फिजिशियन है वो एक लेडी है, बॉम्बे में कई टॉप की न्यूरो सर्जन जो है वो भी लेडी है, के ऐसा नहीं है। इस जेंट्स डोमिनेटिक सोसाइटी में भी कई लोगों ने ना काम किया। चलो अब ये सोशल मुद्दा कैसे बन गया नहीं मालूम, बीच में बात निकली बता दी आपको मिनट के, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो स्कूल के समान है वहां पे बताया गया इमैच्योर लिम्फोसाइट को कि भैया एंटीजन को पहचानना कैसे है, लेकिन असली फील्ड का काम शुरू कहां हुआ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और वो क्या है बेटा, वो है स्प्लीन, लिम्फ नोड के, लिम्फ नोड में आपके टॉन्सिल्स हो गए, एडेनॉइड ग्लैंड हो गए, ये सब पेयर्स पैच हो गए आपके, ये सब लिम्फ जो है वहां पर शामिल है। ठीक है, आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब ट्रेनिंग पूरा हो गया स्कूल का, अब इनको भेज दिया हमने कॉलेज, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भेज दिया हमने, कहां पहुंचे ये, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस के, इनकी ड्यूटी लग गई सब जगह पर। एक बार लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर हो गए तो उनका ड्यूटी लग गया कहां पे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, टॉन्सिल्स में, पेयर्स पैचेस में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पेयर्स पैचेस उसके अंदर, अपेंडिक्स के अंदर, के और
ये वो जगह यहां पे दुश्मन से सामना होता है कि यहां पे सच में कुछ कर दिखाना पड़ता है, यहां पे दुश्मन से सामना होता है। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट्स फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटी। मैंने कहा ना यहां पर जितना सीख के आए हो आप, नॉलेज आपका सबका सामना यहां पर होगा कि ये वो जगह है जहां पर एंटीजन से मुकाबला होता है लिम्फोसाइट का। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि जो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां से कोई, वहां नहीं, वहां पर तो ट्रेनिंग हो रहा है, असली काम तो थाने के अंदर हो रहा है। थाना बड़ा इंपॉर्टेंट जगह होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, के चाहे कोई भी घटना घट जाए आपको थाने तो पहुंचना पड़ेगा, थाने जाकर ही आप वो कंप्लेंट लिखाते आती है, वहीं से सारा काम शुरू होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन व्हिच देन प्रोलिफेरेट टू बिकम द इफेक्टर सेल। अब यहां पर एंटीजन से सामना होता है, उसके बाद फिर क्या करना है यह डिसाइड होता है कि भाई एंटीजन को कैसे आमना सामना कहां पर होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पर होता है, उसके बाद फिर आगे की रणनीति को, आगे की प्लानिंग को हम तय करते हैं। ठीक है, देखिए आप ना थाइमस बोन मेरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होगा, फिर लिम्फेटिक सिस्टम देख रहे हैं आप, ये स्प्लीन देख रहे हैं यहां पर आप, ठीक है ना। द बोन मेरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। बोन मेरो में सब बनती है, एंड बोन मेरो इज द मेन लिम्फाइड ऑर्गन, यहां पे कि सभी जो भी इम्यून सिस्टम की सेल है वो सब कहां बनती है, बोन मेरो में बनती है। थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बिनीथ द ब्रेस्ट बोन। के तो जो थाइमस है ब्रेस्ट बोन के पीछे, ठीक है, हार्ट के पास में प्रेजेंट एक जो है वो बाइलोब्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, और जन्म के समय एट द टाइम ऑफ बर्थ ये बड़े साइज का होता है, ठीक है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका साइज घटने लगता है, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अटेंड इट रिड्यूसेस टू ए वेरी स्मॉल साइज। के जब व्यक्ति प्यूबर्टी या एडल्ट होने लगता है तब इसका साइज काफी छोटा जाता है, ठीक है, सोचिए एट द टाइम ऑफ बर्थ बड़े काफी बड़े साइज का होता है, उम्र के साथ साथ ये इसका साइज घटने लगता है। बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड, देखिए मैंने कहा ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। के टी लिम्फोसाइट के विकास और उसके मैच्योरेशन के लिए जो बोन मेरो है और थाइमस है वो माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है और ऐसी कंडीशंस को बनाती है जिससे कि टी लिम्फोसाइट जो है वो डेवलप हो सके, अपने आप को वो मैच्योर कर सके वो, ठीक है। ये आप देख रहे हो थाइमस के, दिस इज दी थाइमस, ठीक है, एंड इस इमेज में आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज दी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। देखिए अपना बाइलोब दिखाई पड़ा, राइट लोब है, लेफ्ट लोब इसमें, ठीक है, कई सारे छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर ये बनी होती है और ये लोब्यूल्स के बीच में सेप्टा आपको देखने मिलते हैं, ठीक है, दिस इज दी थाइमस, क्लियर। और इससे एक हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, क्या निकलता है थाइमोसिन निकलता है, जब हार्मोन पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए दिस इज दी थाइमस ग्लैंड, है ना, ठीक। थाइमस के अंदर झांक के देखोगे तो पेरिफेरी में कॉर्टेक्स दिखेगा, बीच में मेडुला दिखेगा आपको इसमें, ठीक है, और आपको इसमें जो है वो इंटरलोबुलर सेप्टम देखने मिलेंगे और थाइमिक कॉर्पसल आपको अंदर इसमें देखने मिलेंगे। स्प्लीन इज ए लार्ज वीन शेप ऑर्गन, स्प्लीन होता है बड़े साइज का वीन शेप ऑर्गन होता है, यानी वीन के समान हमें ये दिखाई पड़ता है, ये वीन के समान हमें ये दिखाई पड़ता है। इट मेनली कंटेंस लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट, स्प्लीन मेनली लिम्फोसाइट और फेगोसाइट होता है। इट एक्ट एज ए फिल्टर, मैंने कहा ना ये फिल्टर ऑफ ब्लड के समान काम करता है, ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के ब्लड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको रोकने का, उन्हें पकड़ने का काम करता है, एक फिल्टर के समान काम करता है। स्प्लीन ऑल्सो हैज ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ ऑफ एरिथ्रोसाइट, स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, इसको बॉडी का नेचुरल ब्लड बैंक है, बॉडी का नेचुरल ब्लड बैंक होता है, ठीक है। इसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ठीक है। ऐसी आरबीसी जो पुरानी पड़ चुकी है, मैच्योर जो पुरानी हो चुकी है, जो अब जो है काम की नहीं बची है, उन आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है स्प्लीन, इसलिए इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसके पास में बड़ी मात्रा में ब्लड भी इकट्ठा होता है, इसलिए इसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक फिल्टर के समान काम करता है जो कि जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छान लेता है, इसलिए
कई सारे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन में, कई सारे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन में स्प्लिन का साइज बढ़ जाता है, और स्प्लिन के साइज के बढ़ने को हम बोलते हैं स्प्लिनोमिगेली कहते हैं। के सोनोग्राफी करके डॉक्टर पता लगा लेते हैं, हाथ से छू के भी डॉक्टर पता लगा लेते हैं, ठीक है। दिस इज द लोकेशन ऑफ द स्प्लिन, आप स्प्लिन को देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो बेटा, ये आपको दिखाई पड़ा स्प्लिन, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं मजाक में, मैं बता रहा हूँ लड़के क्या करते हैं मजाक में, कभी कभी जो है मैंने खुद देखा ऐसा केस मेडिकल कॉलेज में, जब मैं जो है मैंने आपको बताया था पीपल्स कॉल मेडिकल कॉलेज के अंदर मैंने कुछ समय काम किया था, मैंने देखा कि कुछ एक फुटबॉल में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तो मजाक मजाक में एक लड़के ने दूसरे लड़के के जो है वो एक किक मारा उसने के, चूंकि फुटबॉल शू पहना हुआ था वो किक उस लड़के के किक किया हुआ है वो इस जगह पर यहाँ पे लगा उसकी किक, ठीक है। दर्द हुआ लड़के को, बहुत घबराहट हुई इसको, अनइजी लगा उसको, लेके हॉस्पिटल पहुंचे, जब उसका सोनोग्राफी किया गया मालूम चला कि स्प्लिन उसका बस्ट हो चुका है, ठीक है। देन इमीडिएटली उसको ऑपरेट करके स्प्लिन को निकाला गया। तो कभी कभी मजाक बड़ा भारी पड़ता है, इसलिए इस तरह के जो मजाक लोग करते हैं ना वो बिल्कुल ही मतलब देखिए कई 99% चलिए कुछ नहीं होगा, लेकिन 1% चांस होता है कि ऐसे मजाक जो है वो खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी मैं आपको मुझे अच्छे से ध्यान है कि हमारे गांव में जब कभी छोटे बच्चे थे हम, तो हम अपने नेटिव प्लेस गांव जाया करते थे, तो वहाँ पे लड़के क्या करते थे, कुछ कुछ गांव के लड़के थे वो एक मिट्टी लेंगे, मिट्टी उस मिट्टी को जो है वो एक एक एक, एक, एक ना पत्ता सा लकड़ी का वुड का एक बड़ा पतला सा जो है वो टुकड़ा लेंगे, उस वुड के टुकड़े को ऐसे रख देंगे और एक लकड़ी बाहर निकाल देंगे उसमें से, ये टुकड़ा वुड का एक लकड़ी बाहर निकाल देंगे और उस वुड के टुकड़े को मिट्टी से ढक देंगे, ठीक है। और वहाँ पे एक छोटा सा जो है माचिस का तिली लगा देंगे और शर्त लगाएंगे कि इसको मुंह से निकाल के दिखाओ, ठीक है। जब कोई मुंह से निकालेगा ना तो वो लकड़ी जो बाहर लगी उसको दबा देंगे तो वो मिट्टी जो है वो आंखों में चली जाएगी उसके, ऐसा वो किया करते थे। मैंने एक आध बार देखा और मैंने अपने पापा को बताया कि ये लड़के जो है क्या हमारे, वो लड़के कौन थे, वो हमारे बुआ जी के लड़के, इसके लड़के, वो जो कुछ दूर के रिलेटिव होते हैं उनके बच्चे, वो तो हमारे फादर बोलते थे इनके साथ मत खेलना अभी, क्योंकि ये ऐसे गेम खेले तो मत खेला करो क्योंकि इसमें लग सकती है। मैंने देखा कि एक दिन एक लड़का ऐसे ही वो खेल रहे थे, तो उन्होंने कुछ मिट्टी कंकड़ जो थे ना तो उसमें जो मिट्टी के अंदर एक कांच का टुकड़ा रहा होगा उस मिट्टी के, वो जैसे ही इसने मारा तो वो आंख के अंदर चला गया, आंख से ब्लीडिंग होने लगा उसका, दौड़ के अस्पताल भागे, ठीक है। गांव में तो अस्पताल था नहीं, हॉस्पिटल था नहीं, जिला अस्पताल गए, वहाँ पे ऑप्थो की डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, प्राइवेट हॉस्पिटल गए वहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि भाई हम उसको कोशिश करते हैं, और उस लड़की की 90% विजन चला गया, उस आँख का 90% विजन उस आई का चला गया, बहुत धुंधला दिखाई पड़ता उस आँख से आज भी है। तो ये छोटे छोटे मजाक है ना कई बार बहुत भारी पड़ते हैं, इसलिए मजाक करना है ना तो मतलब आप सोचिए कि ये क्या मतलब क्या टेंडेंसी है कि हम जो है इस प्रकार किसी को परेशान करके ये मजाक करना, ये दोस्ती नहीं है, ये दुश्मनी से बुरा है, कि ऐसा मजाक जो होता है ना वो व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। तो कभी यदि मैंने कहा ना आपसे कि ये क्या है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि एक प्रकार से अमानवीय घटनाओं में से एक, यदि किसी को आपके मजाक से किसी को परमानेंट चोट लग जाए तो ये तो बुरा है, बहुत बुरा है बेटा, है ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैंने देखा कि यंग एज में यंग जब अब टीनेजर होते हैं हम के इस उम्र में बहुत लोग आपस में मजाक करते हैं, और दूसरा मैं जो है वो इस बात को भी आपत्ति दर्ज करता हूँ उसमें कि मजाक में बहुत सारा जो है वो ऐसा कंटेंट जो दिमाग के अंदर गार्बेज भरता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि जो एडल्ट कंटेंट है, पॉर्न कंटेंट है, उस पर भी लेकर लोग बहुत ज़्यादा जो है वो समय खराब करते हैं, क्योंकि जबकि सबसे बड़ी बात है इट इज़ नथिंग, जो चीज़ आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते हैं, जिस चीज़ का से आपका करियर नहीं बन सकता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करके अपना वक्त बर्बाद करना, मतलब आप ये है कि आप भीड़ का हिस्सा बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। मान लीजिए आपके यदि भीड़ का हिस्सा बनना है तो भीड़ के जैसा व्यवहार कीजिए, और भीड़ को लीड करना है ना तो लीडर के जैसा व्यवहार कीजिए, ठीक है। चलिए आप बोलोगे सर जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे उपदेश दे देते हो आप उठा के, नहीं बेटा मुझे बहुत उम्मीद है आप सारे लोग के, मुझे बहुत उम्मीद है इस देश में, मुझे मालूम है बदलाव होगा और ये देश दुनिया का नंबर वन कंट्री होगा, एक दिन लोग अमेरिका से बहुत आगे इंडिया करके, यानी एक जमाने में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, मैं कहता हूँ कि एक ऐसा भी वक्त आएगा कि पूरी दुनिया भारत के लिए वीज़ा अप्लाई करेगी और भारत बोलेगा हम अभी वीज़ा नहीं देंगे, अपनी शर्तों पर वीज़ा देंगे। जैसे आज अमेरिका बोलता है ना कि वीज़ा, अरे अमेरिका में 100 वीज़ा एप्लीकेशन जाती है,
घूमने के लिए अमेरिका 100 वीजा अप्लाई से जाएंगी, एक एक्सेप्ट होगी, 99 रिजेक्ट हो जाएंगी, वो आपको घूमने देना भी नहीं चाहते, नहीं आओ, रुको अपने यहां, कहीं और घूमे जाके। मैंने जब मैं यूएस जाने के लिए मैंने अप्लाई किया तो मैं लाइन में लगा था इंटरव्यू के लिए, सिर्फ कुछ नहीं पूछते थे, क्या करते हो, कागज देखा, लंबी 5 बजे सुबह लाइन लग जाती थी, दिल्ली की बात बता रहा हूं। एक कपल मेरे आगे था, पूछा उनसे क्यों जा रहे हो यूएस, क्यों अप्लाई किया अभी तक लिए, सर हम न्यूली मैरिड हैं, वहां जाके हम लोग जो है वो घूमेंगे फिरेंगे, है ना, अपना हनीमून जो पीरियड बोलते हैं, ठीक है। वो दिखता उसके, वो लेडी थी, वो दिखती बोलती है, ओके वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू मैरिज, बट आई थिंक यू शुड गो फॉर दी साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड एंड दिस मलेशिया एंड दिस कंट्रीज, वेरी ब्यूटीफुल कंट्रीज, नेचुरल ब्यूटीज है। वो बोला यार हम अमेरिकन वीजा के लिए अप्लाई किए, तू हमको बता रही कहानी कि तुम मलेशिया घूमने चले जाओ, फाइनली रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके आगे एक आदमी होता, उससे पूछा क्यों भैया, आई एम गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ बिजनेस प्रपोजल रिसर्च, ओके क्या बिजनेस है आपका यहाँ पे, कागज दिखाओ, कागज थे यहाँ पे लगे हुए उसके, तुम्हारा तो बिजनेस इंडिया में नहीं चलता है, अमेरिका जाके क्या चलाओगे, जाओ। अरे मैंने कहा तो बहुत घनघोर बेइज्जती है तो आदमी की, मेरा नंबर आया, अब मैंने कहा ये तो पक्का रिजेक्ट कर दे करेगी ये तो, ओके आर यू डॉक्टर, यस वेर यू आर वर्किंग, मैंने बताया मैं इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ काम करता हूँ, व्हाई यू वांट टू गो टू, मैंने कहा आई जस्ट वांट टू गेट ए ट्रेनिंग इन यूएसए एंड दिस इज द लेटर फॉर इन्विटेशन लेटर फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, दिखाया उसको मैंने बकायदा, ओके गो, मेरा पासपोर्ट रख लिया, जिसका पासपोर्ट उन्होंने रख लिया मतलब उस पर वीजा लगा के देंगे, और जिसका वापस कर दिया पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मैं बात कहां शुरू किया था, मैं बोला था कि बेटा एक दिन देश को ऐसा बनाना है कि हम भी ऐसे ऐसा सीना तान के रहेंगे, क्या आप भारत के लिए अप्लाई किया वीजा, हमारी मर्जी, देखते हैं हम तुम्हें देंगे कि नहीं देंगे, है ना जी हुजूर टाइप से, दे दो आई वीजा, ऐसा नहीं करना पड़े हमें, ठीक है ना। वो दिन लेके आएगा कौन, आप लोग लेके आएंगे, इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, तो मेरा उपदेश को बुरा मत माना करो इसको, ये लर्निंग है लाइफ की, कोई नहीं बताएगा आपको, सब कंटेंट सब्जेक्ट सब बतला देंगे बेटा, ये लर्निंग जो है वो जिंदगी में काम आएगी, के तो हमेशा याद रखे। चलिए तो अब आते हैं स्प्लिन के अंदर, नंबर एक वीन शेप दिखाई पड़ रहा है, ये जोड़े में नहीं होता है, ठीक है, एक बॉडी में एक ही होता है, ठीक है, ये मत बोलना कि सब जोड़े में होता है, एक किडनी के इधर एक उधर, नहीं, ठीक है, वन नंबर के कैप्सूल ले रहे हैं अंदर, अंदर का हिस्सा इसका ट्रेविकुली है, वेस्कुलर साइनोसाइड, इसके अंदर ब्लड इकट्ठा होता है, व्हाइट पल्प और रेड पल्प के, स्प्लिन के अंदर आपको रेड पल्प और व्हाइट पल्प देखने मिलेगा। अब ये सब क्या होता है जब स्प्लिन पढ़ेंगे डिटेल में तब बात करेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर हमने देखा है, दिखाओ आप देख रहे हैं ना कि स्प्लिन का लोकेशन आप बॉडी में आप देख रहे हो, ठीक है, ब्लड सप्लाई बकायदा स्प्लिनिक आर्टरीज को सप्लाई करती है, ठीक है। स्प्लिन के एनाटॉमी मैंने आपसे कहा रेड पल्प है, व्हाइट पल्प, ये वर्ड का संबंध स्प्लिन होता है, इतना याद रखिए। अभी डिटेल में, अभी हम हिस्टोलॉजी के डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पढ़ेंगे, जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उस पर बात करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। ट्रेविकुली देख रहे हैं, वेस्कुलर साइनोसाइड देख रहे हैं आप, इसमें ब्लड इकट्ठा होता है, देन आर्टरी के बाहर की लेयर को हम कैप्सुलर कहते हैं। द लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम के, मैंने कहा ना ये पुलिस चौकी के समान होते हैं, के अलग अलग पॉइंट पे बॉडी में प्रेजेंट होंगे, जहां से भी लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वहां पे एक लिम्फ नोड प्रेजेंट होगा। यहां पे द लिम्फ नोड सर्व, देखिए आप बिल्कुल चौकी समान काम कर रहे हैं, लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द अदर एंटीजन व्हाट व्हिच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड के, जिस भी जगह की लिम्फेटिक से, मैंने कहा ना हाथ, ये पूरा सप्लाई जो है ये पूरा पूरा हाथ है, यहां से आके फाइनली यहां पे लिम्फ नोड है, अरे यहां पे स्वेलिंग है मतलब कहीं यहां पे कहीं इंफेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। द एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स के, देखो मैंने क्या कहा कि जो भी इम्यून सेल या लिम्फोसाइट जो मैच्योर लिम्फोसाइट थे उनको हमने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में दे दिया था हमने, और लिम्फ नोड भी उसका एक हिस्सा थे। यहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं पुलिस वाले, लिम्फोसाइट बैठे हुए हैं यहां पर, जैसे ही एंटीजन को यहां पे पकड़ के लेके आते हैं वो पूछताछ शुरू करते हैं, पूछते हैं उससे वो तुम यहां कैसे घूम रहे हो, तुम हो कौन, वो बोलता है बैक्टेरिया हुजूर मैं तो इसी शरीर का हूं, मैं जो है वो लीवर का दोस्त हूं, मैं हार्ट गए हार्ट को भी मैं जानता हूं, दिखाओ पासपोर्ट दिखाओ आईडी दिखाओ आधार कार्ड दिखाओ अपना, वो अपना किंग 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 किंग
नहीं नहीं मेरे पास आधार कार्ड तो मैं घर में भूल गया, लाइसेंस, गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड गुम गया, ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, पासपोर्ट बनवाया नहीं, आधार कार्ड घर पे भूला है, तो तुम कौन हो? सर मैं लीवर का दोस्त हूं। एक थप्पड़ पड़ता जोड़ का, निकल बाहर यहां से चल। कहां, किसने मारा? पुलिस वाले ने। कहां प्रेजेंट था वो? प्राइमरी लीवर। यही है एक्चुअल। अरे आप बोल रहे हो, आप हंस रहे हो, क्या बोल रहे हो सर, क्या कहानी सुना रहे हो? एक्चुअली में ऐसे ही हो रहा है सेल बॉडी के अंदर। अरे ये सब सेल बोलती होती, इनकी दुनिया में हम झांकते ना तो हम बोलते अरे वाह ये तो बिल्कुल हमारी दुनिया की जैसी दुनिया है, तो ये बिल्कुल हमारी दुनिया के समान दुनिया है। ठीक है, तो एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉजेज द इम्यून रिस्पॉन्स के। तो जो लिम्फ नोड होते हैं वो एंटीजन को पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद क्या करते हैं वो, वहां पर जो लिम्फोसाइट प्रेजेंट है उनको वो एक्टिवेट करते हैं और फिर लिम्फोसाइट एक्शन लेता है वो। ठीक है, फिर बजाता वो सिंगम कि देखो अब देखते हैं, हम तुम्हें बताते हैं क्या करना है। ठीक है, देखिए ना बॉडी में आप देख रहे हैं जो जो आपको ग्रीन कलर के डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर दी लिम्फ नोड के। आर्मपिट की सप्लाई पूरी आप देखें, नेक, कॉलर बोन, ये वो लिम्फ नोड डॉक्टर चेक करता है। ग्रोइंग रीजन में इन्फेक्शन होगा ना तो यहां के लिम्फ नोड, ग्रोइंग रीजन के लिम्फ नोड बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखे ना आपने लिम्फ में, पैरों में इन्फेक्शन होगा तो लिम्फ नोड बढ़ जाएंगे, तो ये लिम्फ नोड दिखाई पड़ रहे हैं यहां पे। ठीक, एक लिम्फ नोड को यदि हम अंदर से झांक कर देखेंगे तो उसमें बकायदा हमको जो है वो ब्लड, प्रॉपर ब्लड सप्लाई दिखाई पड़ेगी। भाई प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी तब तो छान पाएगा वो, देख पाएगा कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है ना, और बेसिकली ये लिम्फ वेसल की सप्लाई को अंदर लेते। ठीक है, देयर इज लिम्फॉइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट। अब देखो हमारी बॉडी में कई सारे रास्ते बने हुए, ट्रैक बने हुए हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया हो गया आपका, ब्रोंकियोस हो गए, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोस हो गया आपके। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे। फिर आप देखते हो आपकी बॉडी में जो है क्या है वो, आपकी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है, बक्कल कैविटी हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के, है ना, रेक्टम। तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल हो गया आपकी बॉडी में। देन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की बात करें हम, हमने कहा कि इसे आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जैसे किडनी है, किडनी से यूरेटर हो गया, एक ट्यूब है, यूरेटर कहां गया, वो यूरिनरी ब्लैडर में गया, ब्लैडर से यूरेथ्रा निकला बाहर, तब कई सारे बॉडी में ट्रैक प्रेजेंट है, तो इन ट्रैक की सुरक्षा कौन करेगा? वहां पर भी बड़ी मात्रा में लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक, वेरी वेरी आई एम पी एग्जाम में दो तीन बार आ चुका है, देयर इज लिम्फॉइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हुआ, डाइसू ट्रैक हुआ, यूरोजेनिटल ट्रैक हुआ, उन्हें हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं, माल्ट कहते हैं, उनके लिए हम माल्ट वर्ड यूज करते हैं। तो माल्ट का फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसा। म्यूकोसा कहां होता है बेटा? जो भी आपका ट्रैक होता है, जो भी केनाल है, ट्रैक बॉडी प्रेजेंट है, उसमें एक कवरिंग होती है, उसे म्यूकोसा बोलते हैं। तो म्यूकोसा से लगे हुए जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं उन्हें हम बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं, उन्हें हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। और ये बॉडी के लिम्फॉइड टिश्यू का तकरीबन 50% होते हैं, ये बॉडी के लिम्फॉइड टिश्यू का तकरीबन ये 50% होते हैं, दे आर 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ द बॉडी। क्लियर? ठीक है, क्या बोलते हैं हम, इन्हें हम माल्ट कहते हैं। क्लियर? अब देखिए कई बच्चे बोलते हैं सर एंटीजन वर्ड का मतलब अभी तक हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे कहता हूं बेटा दे आर दी फॉरेन मॉलिक्यूल्स दैट इन्वेड दी बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी बाहर का मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में आकर इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर सकता हो उसे हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंटीजन कहते हैं। दी वर्ड एंटीजन इज शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द एंटीबॉडी जनरेटिंग। ठीक है, जेन मतलब जनरेट। अब एंटीजन का भी फुल फॉर्म होता है, एंटी मतलब एंटीबॉडी, जेन मतलब जनरेटिंग, मतलब ऐसा केमिकल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके बॉडी में आने पर हमारे एंटीबॉडी बनने लगते हैं उसे हम एंटीजन कहते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, एंटीजन्स आर जनरली लार्ज मॉलिक्यूल, जनरली सामान्यतः बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। द मेजोरिटी ऑफ देम आर मेड ऑफ प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया एंड अदर सेल्स ऑन द कोट्स ऑफ वायरस के।
तो एंटीजन जो होते हैं बड़े मॉलिक्यूल होते हैं इनके, ये प्रोटीन से बने हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड से बने हो सकते हैं। ये पॉलीसेक्राइड कोट आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर देखने मिलता है, आपको वायरस की सरफेस से प्रेजेंट जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो भी एंटीजन के समान काम करता है इनके। तो एंटीजन जो है वो किसी भी केमिकल नेचर के होते हैं, पर मोस्टली ये होते हैं प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड नेचर के होते हैं, ठीक है। All antigens are not the parts of microorganism. सभी antigen केवल microorganism से नहीं मिलते हैं। जो pollen grain होते हैं बेटा, परागकण होते हैं, वे plant से मिलते हैं, ये भी antigen होते हैं। एग वाइट, वाइट ऑफ एग, एन एग के, कुछ लोगों को अंडे एग एलर्जी होती है, कुछ लोग अंडा नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनका एग वाइट से एलर्जी होती है उनको, के कुछ लोगों को शेल फिश से एलर्जी होती है, तो शेल फिश में कुछ केमिकल पाए जाते हैं वो नहीं खा सकते हैं। सर्टेन फ्रूट और वेजिटेबल, जैसे देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो है कई से लोग कितना कि सुबह उठ के नींबू पानी पीना चाहिए के, एंड आई एम एलर्जिक टू दी सिट्रस फ्रूट। ये सब मतलब मैं ऐसे देखा जाए तो मैं बहुत आई एम नॉट दी वेरी हेल्दी पर्सन की मुझे कई चीजों से एलर्जी है के, मैंने कहा ना सिट्रस फ्रूट मतलब मैं लेमन इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं ऑरेंज इस्तेमाल नहीं करता हूं, कुछ लोगों को एग से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, शेल फिश से एलर्जी होती है कि आई एम ऑल्सो एलर्जिक टू दी, कहीं यदि मान लो धोखे से किसी चीज़ में सी फूड मिला है तो वो सी फूड के लिए भी मैं एलर्जिक हूँ। देन कुछ लोगों को वेजिटेबल से, एंड सरप्राइजिंगली देर आर फ्यू पीपल हु आर एलर्जिक टू दी चिकन, वाइट मीट चिकन के लिए एलर्जी होती है उनको, के ठीक वर्ड के फीडर्स हुए ब्लड सेल ऑफ अदर पर्सन के, तो देर आर मेनी केमिकल, कई केमिकल होते हैं इससे कि व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है के। तो इसका मतलब यह है कि कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एंटीजन केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते हैं, हर वो चीज जो आपके इम्यून सिस्टम को एग्जीक्यूटेड रिस्पॉन्स के लिए या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती हो वो एंटीजन के समान काम करेगी, ठीक है। देन कम टू दी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, लिम्फोसाइट क्या होते हैं, ए टाइप ऑफ WBC देखा हमने पहले, के आर वन ऑफ द मेन सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, के ये बॉडी के इम्यून सिस्टम के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल में से होते हैं। के लिम्फोसाइट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा, हमने कहा टी सेल और बी सेल का, हमने के याद रखिए दोनों प्रकार की सेल जो होती है के, बोथ टाइप ऑफ सेल्स डेवलप फ्रॉम द स्टेम सेल फाउंड इन द लिवर ऑफ द फिटस एंड दी इन द बोन मैरो सेल ऑफ द एडल्ट, के चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो चाहे बी लिम्फोसाइट हो, जो फिटस होता है फिटस में वो लिवर के अंदर बनते हैं और एडल्ट में वो बोन मैरो सेल के अंदर बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिम्फोसाइट जो माइग्रेट कर थाइमस में पहुंच जाते हैं और थाइमस में जाकर अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, वहां पर अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, उन्हें टी सेल कहते हैं के, और ऐसे ऐसे लिम्फोसाइट जो बोन मैरो के अंदर ही रहते हैं, जो बोन मैरो के अंदर ही रहते हैं और वहीं पर अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, उन्हें बी सेल कहते हैं, उन्हें हम बी सेल कहते हैं। तो यहां पर बी का मतलब बोन मैरो नहीं है, यहां पर इसी के जब इसकी खोज की गई थी बी सेल की, तो इसको पक्षियों के वर्ड्स के अंदर एक ऑर्गन होता है वर्सा ऑफ फैब्रिकस, उसमें देखा गया था इसको, इसलिए बी वर्ड वर्सा ऑफ फैब्रिकस से आया, ठीक है ना। द फाइनल मैच्योरेशन ऑफ यंग लिम्फोसाइट ऑकर्स इन लिम्फाइट टिश्यू लाइक लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड टॉन्सिल, ठीक है ना। सेकेंडरी लिम्फोसाइट में फाइनल मैच्योरेशन होता है। टी सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी, जबकि बी सेल क्या काम करती है, वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है अबाउट 20 trillion पर डे, के सोचिए हमारी बॉडी में जो बीटा लिम्फोसाइट है वो तकरीबन हर दिन 20 trillion एंटीबॉडी सेल को, 20 trillion एंटीबॉडी केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है। हर एक एंटीबॉडी क्या होता है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना हुआ इम्यूनिटी देने वाला मॉलिक्यूल होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, वाई शेप होता है। तो 20 trillion पर डे बनता है। बोथ टी सेल एंड बी सेल रिक्वायर एंटीजन टू ट्रिगर देम इनटू एक्शन, बट दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। देखिए दोनों टी सेल और बी सेल को जब एंटीजन मिलेगा दोनों रिस्पॉन्स करेंगी, पर दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। बी सेल एंटीबॉडी के थ्रू काम करेगा और टी सेल जो है वो सेलुलर इम्यूनिटी के थ्रू काम करेगा, सीधा फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व हो जाएगा। बीटा लिम्फोसाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ थाइमस एंड इन मैन प्रोबेबली कंप्लीट देयर अर्ली मैच्योरेशन विद इन द बोन मैरो, दे आर कॉल्ड बीटा सेल बिकॉज दे मैच्योर Within the versa of fabricus in birds, क्या देखिए क्या लिखा इसमें, बीटा सेल जो होती है वो थाइमस से स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और ये जो है क्या करती है बेटा, ये बोन मैरो के अंदर ही अपने आप को मैच्योर करती है, इनको बीटा सेल कहते हैं, क्योंकि पहली बार इनकी खोज हुई थी वर्ड्स के वर्सा ऑफ फैब्रिकस पार्ट के अंदर, ठीक है ना, क्लियर। मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटा सेल टू एंटीजन, बीटा सेल एंटीजन के लिए कैसे व्यवहार करती है, किस प्रकार से, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर निकल के बेटा समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जब वेन एंटीजन इंटर टिश्यू फ्लड बीटा सेल आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। जैसे ही कोई एंटीजन टिश्यू फ्लड के अंदर आता है, बीटा सेल के संपर्क में आता है, बीटा सेल जो है स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। द बॉडी हैज थाउजेंड्स ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक बीटा सेल के, हमारी बॉडी में हजारों प्रकार की एंटीजन स्पेसिफिक बीटा सेल्स होती है। द मेम्ब्रेन ऑफ ईच बीटा सेल टाइप वुड हैव बीन सेंसिटाइज्ड बाय द प्रीवियस कॉन्टेक्ट विद द एंटीजन। पहले कभी यदि एंटीजन का संपर्क रहा हो, वैक्सीन लगा हो, या पहले से कोई एंटीजन बीमारी हुई हो, तो उसके लिए बीटा सेल जो है वो इम्यूनिटी को डेवलप कर लेती हैं। इफ दिस डज नॉट हैपन द बीटा सेल आर डिस्ट्रॉयड। के देखिए सिंपल सी बात है कि बीटा सेल जो होती हैं वो एंटीजन स्पेसिफिक भी होती हैं, और कई से हजारों तरीके से हमारी बॉडी में पाई जाती है एंटीजन स्पेसिफिक होती है बेटा। और ये यदि कोई बीटा कोई जैसे मैंने कहा ना कि हर एक बीटा सेल टाइप जो होती है वो पहले किसी एंटीजन के संपर्क में आई होती है, उसके लिए पहले किसी एंटीजन के जिसके संपर्क में हमारी बॉडी आई होती है उसके लिए वो सेंसिटाइज होती है इनके। अब जब जैसे इनका टाइम पीरियड पूरा होता है खत्म हो जाती है इनके, और हर दिन नई बीटा सेल बन रही होती है। ऐसा है पुरानी बीटा सेल खत्म होती रहेंगी तो नई बीटा सेल उसकी जगह पर बनती रहेंगी लगातार। वंस एन एंटीजन स्पेसिफिक बीटा सेल इज एक्टिवेटेड बाय द एंटी, अब मान लो गलती क्या हुआ कि संयोग से वो एंटीजन जिसके लिए बीटा सेल ने अपने आप को बना रखा था वो उसके संपर्क में कांटेक्ट में आ गया के, तो ये अपने आप को तेजी से मल्टीप्लाई करती है और ये प्लाज्मा सेल्स की बड़ी संख्या क्रिएट करके, एंड बीटा सेल बोलती है कि अभी जैसे दुश्मन आया है तो दुश्मन को मारने के लिए पहले अपनी संख्या को बढ़ा लौट के, तो बीटा सेल को जैसे ही जो है वो उसका सामना होता है किसी एंटीजन से जिसके लिए वो ऑलरेडी स्पेसिफिक थी, जिसके लिए पहले से उसने सूचना को ले रखा था, तो अब बीटा सेल अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाती है और ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है, और ये जो प्लाज्मा सेल होती है ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है और बड़े हाई रेट में पर सेकंड 2000 के, एंड जो प्लाज्मा सेल है उसका एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का रेट कितना होता है 2000 मॉलिक्यूल पर सेकंड की रेट में वो काम करती है। ठीक है, दिस कैपेसिटी ऑफ बीटा सेल टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन इवन बिफोर इट वॉज एक्सपोज टू एन एंटीजन। ठीक है, हाउएवर एन एंटीजन इज नेसेसरी टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो है बीटा सेल को सिखाया गया होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, और इसमें हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब एंटीजन के संपर्क में आने के पहले ही बीटा सेल एंटीजन को पहचानना सीख जाती है, और यही इम्यून सिस्टम की मेमोरी का एक बड़ा आधार है कि इम्यून सिस्टम हमारा मेमोरी याददाश्त को रखता है वो। ठीक है, देन बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ टी सेल टू द एंटीजन, कि हमारे जो टी लिम्फोसाइट है वो एंटीजन को देखकर कैसे व्यवहार करते हैं। हमने कहा ना बेटा कि बी सेल का व्यवहार अलग है, टी सेल का व्यवहार अलग है। लाइक बी सेल, टी सेल आल्सो रिस्पॉन्ड टू एंटीजन बाय प्रोड्यूसिंग ए क्लोन, ए ग्रुप ऑफ टी सेल के। जैसे ही टी सेल के संपर्क में एंटीजन आता है तो टी सेल भी आप उसको पहचान कर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, टी सेल लिव फॉर 4 to 5 ईयर और इवन, मतलब लंबा लॉन्ग ड्यूरेट के, ये लॉन्ग ड्यूरेशन इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। देर आर सेपरेट टी सेल फॉर ईच टाइप ऑफ एंटीजन दैट इन्वेड द बॉडी के, और हर एंटीजन के लिए टी सेल की एक कॉलोनी तैयार होती है। टी सेल अपने आप को याद, उसको याद रखते हैं, मेमोरी रखते हैं उसकी, वो हर एक एंटीजन के लिए ये स्पेसिफिक कॉलोनी को तैयार कर लेते हैं। टी सेल ऑफ ए क्लोन that are produced in response to an antigen are similar morphologically but they perform different function के। जो क्लोन्स होते हैं कैसे बने बेटा, जब एक टी सेल एक एंटीजन के संपर्क में आया तो उसने एंटीजन को पहचान लिया और अपने इसे और सेल को प्रोड्यूस कर लिया उसने के, तो क्लोन बन गया सेल्स का। और ये सेल मॉर्फोलॉजी में समझते हैं अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तीन प्रकार से काम करते हैं। ये जो टी सेल की कॉलोनी है, मैंने क्या कहा बेटा आपसे कि एक टी सेल एक एंटीजन के संपर्क में आया, उसने एंटीजन को पहचाना और अपने आप को उसने मल्टीप्लाई किया और एक कॉलोनी तैयार कर ली। उस कॉलोनी में एक समान दिखने वाले कई सारे टी सेल प्रेजेंट है, पर ये तीन प्रकार से काम करते हैं। एक होते हैं किलर टी सेल, एक होते हैं किलर टी सेल, दिस सेल्स अटैक डायरेक्टली एंड डिस्ट्रॉय, ये सीधा काम करते हैं और दुश्मन को पहचानते हैं, अटैक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं उसको। इन दिस प्रोसेस दिस सेल्स मूव टू द साइट ऑफ इन्वेजन, जहां पे हमला हुआ होता है, जहां पर इन्फेक्शन होता है वहां पर ये पहुंचते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो फेगोसाइटोसिस को अट्रैक्ट करते हैं और ये उनको स्टिमुलेट करते हैं, और बेसिकली जो फेगोसाइटोसिस्टिक सेल जो होती है न्यूट्रोफिल्स हुए के दूसरे सेल्स जो है मोनोसाइट हुए ये अट्रैक्ट होते हैं इससे और वहां जाकर ये रैपिडली फेगोसाइटोसिस करते हैं।
दे ऑल्सो प्रोड्यूस सब्सटेंसेज दैट अट्रैक्ट द अदर टी सेल के, और ये ऐसे केमिकल भी रिलीज करते हैं जिससे दूसरे टी सेल यहाँ पर पहुंच जाए ताकि एक्शन फास्ट नहीं यहाँ पर फास्ट एक्शन हो और वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दें। दूसरे होते हैं हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या होते हैं, ये बोलते हैं कि भैया हम तो काम कर ही रहे हैं, बीटा सेल को और बुला लो, उसके पास एंटीबॉडीज हैं, तो ये बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि एंटीबॉडी भी वहां पर काम करने लगे। तो टी सेल की कॉलोनी में एक तो हो गए जो सीधा मारने लगे, एक बीटा सेल को कॉल कर रहे हैं, बीटा सेल को बुला रहे हैं कि तुम भी आ जाओ भाई, लड़ाई चल रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर सप्रेसर टी सेल। अब ये सप्रेसर टी सेल बोलते हैं, यार तुम लड़ाई में मार तो रहे हो पर इतना मत मार देना कि पुलिस केस हो जाए, इतना मत मार देना कि लफड़ा अपने ऊपर ही आ जाए। तो सप्रेसर बोलता है कि भैया रुक जाओ, बहुत ज्यादा हो गया है ना, हमला कर दिया, मार दिया एंटीजन, आप तो रुक जाओ ना, एक दूसरे को मारोगे क्या या बॉडी को ही मार दोगे भी? नहीं ना। तो एक होते हैं वो जो पूरे इम्यून सिस्टम पर नजर रखते हैं और ये रोकते हैं, होता ना एक बीज बचाव कर रहा, अरे भाई भाई साहब बहुत हो गया बीच बार, वो है सप्रेसर टी सेल के, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ताकि बॉडी की ऑन सेल डैमेज ना हो जाए, ठीक है। और इन्हीं इन्हीं सप्रेसर टी सेल में से कुछ सेल ऐसी होती हैं जो याददाश्त रखती हैं कि भाई आगे चल के जो है वो दोबारा इन्फेक्शन हुआ तो हमें कैसे व्यवहार करना है, ठीक है। ये है पूरी कहानी इसकी। अब बताओ मेरे को इसमें ऐसा क्या है जो समझ में ना आए आपके? हाँ, पूरा इम्यून सिस्टम तो एक कहानी के समान है, स्टोरी के समान है। अभी इम्यून सिस्टम का चैप्टर हो गया, अभी आगे बढ़ेंगे इसमें हम एडिक्शन, बाकी आगे अगले हिस्सों को देखेंगे हम, ठीक है ना बेटा? तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते बेटा, ऑल द बेस्ट। हाय, टू बिकम एन ऑफिशियल कमांडो ऑफ बायोमेंटर्स, जॉइन अस एट www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.